Hey everyone, welcome back once again to your very own channel that is Smash Zone with Pratyush. So, आज बहुत special दिन है and today is Mother's Day. तो जो भी ये video देख रहे हैं, ये video के through मैं सारे मम्मियों को, सारे माँ को, जितने भी माँ हैं हमारे सामने अभी देख रहे हैं ये video को, उन सबको मेरे तरफ से पहले तो नमन, क्योंकि शायद अगर आप लोग नहीं होते तो हम लोग भी नहीं रहते, हमारा कुछ एग्जिस्टेंस नहीं रहता अगर मम्मी लोग नहीं रहते, ठीक है. तो माँ जो एक ऐसा वर्ड है जो कि हम हमेशा हमारे दिमाग में, चाहे हम चाहे या नहीं चाहे, वो नॉर्मली आ जाता है कभी भी. मतलब हम घर में एंट्री कर रहे हैं, कभी बहुत दिन हुआ हम घर नहीं गए हैं, जस्ट पहले घर गए हैं, तो पहला पुकार हमारा होता है माँ, और बहुत ज़ोर का भूख लगा है, कुछ अगर बनाए हो तो दे दो हमको खाने के लिए. माँ ये नहीं मिल रहा, माँ वो नहीं मिल रहा, माँ आज हम जा रहे हैं, माँ मेरा गाड़ी का चाबी कहाँ है, माँ खाना कहाँ है, माँ मिक्सर का बॉक्स कहाँ पे रखे हो, माँ टीवी का रिमोट कहाँ पे है, माँ मेरा मोबाइल कहाँ चला गया, माँ मेरा चार्जर कहाँ पे रखे हो, माँ मेरा बैग कहाँ पे है, माँ मेरा पेन कहाँ गया, ठीक है. तो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि हम बाबा ये कहाँ गया, बाबा वो कहाँ गया, फिर पापा ये कहाँ गया, वो कहाँ गया, बहुत रेयरली वैसा चीज़ होता है. बट नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे दिमाग में रहते हैं वो होते हैं माँ, ठीक है. तो एक बहुत ही मतलब छोटा सा वर्ड होते हैं माँ, बट अगर हम उसको रियलाइज़ करें तो हमारे दिल में हमेशा भी माँ ही रहती है, ठीक है. भाई बहन पापा, पापा इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए जितने माँ होते हैं, बट फिर भी एक लगाव जो माँ के साथ रहता है वो किसी के साथ नहीं रहता. इसलिए घर जब भी हम लौट के जाते हैं, या फिर कहीं दूर में आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, दूर में कहीं जॉब कर रहे हो, या फिर कुछ दिन गए हो बाहर घूमने और जब रिटर्न करते हो, तो हमेशा हमको हमारे घर में माँ का एग्जिस्टेंस चाहिए रहता है. वो कहीं पर भी हो, बस हो, ठीक है, वो कैसे भी हो, वो हो बस, ठीक है. तो आज का जो ये वीडियो है, ये पूरा डेडिकेटली मैं देना चाहता हूँ हमारे सारे मम्मियों के प्रति. और आज वैसा कुछ स्पेशल मैं बोलूँगा नहीं, बस जो हम रियलाइज़ मैंने किया है छोटे टाइम से, उसी को थोड़ा आपके साथ शेयर करने का ट्राई करूँगा. और आई होप कि ये वीडियो ख़त्म होने तक आप लोग भी अपने मम्मियों के प्रति जो लगाव, जो अफेक्शन, जो लव है, वो भी आप लोग रियलाइज़ कर पाओगे. और अपने मम्मियों को आप लोग उतना ही प्यार करना, और हमेशा लास्ट तक उतना ही प्यार करना. बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम थोड़ा रूडली बिहेव कर लेते हैं, थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं हम मम्मियों के प्रति, क्योंकि वो इतना बार बार वही सेम चीज़ रिपीट करते हैं, तो हमको लगता है कि क्या यार मम्मी कितना बार हमको वही सेम चीज़ रिपीट कर रही है, कितना बार बोल रही है, अरे मम्मी रहने दो, हमको आता है सब कुछ. बहुत बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है. बट एट द एंड ऑफ द डे अगर हम पता करेंगे तो वही उनका लव और अफेक्शन है जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, और जो भी हम आज हैं जहाँ पे भी, वो सब कुछ वही मम्मी और पापा के वजह से ही है. और मम्मी एक्स्ट्रा 9 मंथ उनको क्रेडिट जाता है, क्योंकि वो 9 महीना हमको अपने पेट में रखती हैं, तो ऑब्वियसली क्रेडिट 9 मंथ्स का ज़्यादा रहता है और किसी के भी अगर हम कंपेयर करेंगे तो. तो बहुत ही एक स्पेशल एक वीडियो ये वाला मेरे लिए है, एंड आई होप आप लोगों के लिए भी होगा. तो वेलकम बैक, दिस इज़ आवर 45th एपिसोड ऑफ संडे वाणी, एंड आई होप कि आप लोग ये छोटा सा वीडियो देखने के बाद आप लोग भी अपने मम्मियों के प्रति जो लव, जो अफेक्शन, जो प्यार दिखाते हो, वही सेम चीज़ आज भी दिखाओगे. और ऐसा तो वैसा कोई पर्टिकुलर डे नहीं रहता मदर्स डे बोल के, बट फिर भी मैं आज एक ऐसा दिन है तो मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ ये वीडियो सारे मम्मियों को. आप लोग भी जो देख रहे हैं वो लोग भी शेयर कर सकते हैं आपका फीलिंग्स, आपका ये वीडियो आपको लोगों के लिए है, बट ये वीडियो के प्रति, वीडियो देखने के बाद मे बी आप लोगों का जो फीलिंग्स है, जो कि हम बोल नहीं पाते मम्मियों को, वो आई होप आज जाके आप लोग थोड़ा सा शेयर करेंगे, ताकि उन लोगों को भी कुछ स्पेशल फील होना चाहिए. क्योंकि ऐसा देखा जाए तो घर में सब कोई सब काम करते हैं, बट अगर एक सुने हैं ना, जैसे कि अगर थाली में 2 मिठाई हो और 3 आदमी हैं, मम्मी पापा और मैं, तो मम्मी वहीं पे बोल देगी नहीं नहीं मुझे मिठाई नहीं पसंद है, आप लोग खा लो. वहाँ पे भी झूठ पे झूठ मम्मियाँ बोलती जाती हैं बचपन से ही, और हम वो झूठ को हाँ सच मान लेते थे. अगर कुछ भी करना हो, मम्मी हमेशा अपने तरफ का जो भी चाहिए होता तो उसको इग्नोर करके पहले वो देखती है कि बच्चा मेरा सही सलामत है कि नहीं, बच्चों को सब कुछ मिल रहा है कि नहीं. अपने लिए कभी भी परवाह नहीं करती हो, कि कभी भी मांगती नहीं कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बस जो कुछ मिलता है हाँ ठीक है चल जाएगा, बट खुद से ऐसे कभी भी नहीं मांगती. मतलब मैंने जितना बचपन से देखा है सारे मम्मियों को, तो आई होप आप लोग भी रिलेट कर पा रहे होंगे. तो वो लोग कभी भी, मतलब मम्मी लोग कभी भी ऐसा नहीं होते कि हाँ मुझे ये दो वो दो, वो हमेशा मतलब देते ही रहते हैं सब कुछ, स्टार्टिंग फ्रॉम द डे 1 to the last day वो हमेशा बस देते ही रहती है, ठीक है. तो आज एक दिन मिला है तो हम थोड़ा सा उनको स्पेशल फील करवा देते हैं कि मम्मी यस आई लव यू,
और सारे बच्चे जो होते हैं वो मम्मी को बहुत प्यार करते हैं, पापा को भी प्यार करते हैं, ऐसा नहीं कि पापा को नहीं करते, बट मम्मी के लिए जो प्यार होता है वो दिल से निकल जाता है। ठीक है, कभी भी मतलब मैं आज भी जब भी घर में जाता हूँ पहला वर्ड मेरा ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट माँ कैसे हो, पापा कैसे हो, माँ पहले आते हैं, माँ खाना क्या बनाया हो, जल्दी दो खाने, भूख लग रहा है, बहुत दिन से आपके हाथ के खाना नहीं खाया हो, जल्दी दो, जो बनाया हो। और मम्मी जो भी बनाई होगी वो मतलब वो सबसे बेस्ट खाना, ठीक है, मतलब वो फाइव स्टार, आप जितना भी फाइव स्टार होटल जाके खा लो, मम्मी के हाथ का बना हुआ कुछ भी खाना कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। इट इज़ ट्रू फैक्ट, इट इज़ वेरी मच ट्रू, वो कभी भी कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। आप जितना बड़ा होटल में जितना पैसा दे के कुक को रख दो और खाना बनाने बोल दो, मम्मी के हाथ का जो छोटा सा रोटी और आलू दम या फिर जो भी वो प्यार से खिला दी, दैट इज़ द बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड। ठीक है, वो आप लोग भी रिलेट कर पा रहे, मैं तो हमेशा रिलेट करता हूँ, इसलिए घर जब भी पहुँचता हूँ, मम्मी क्या बनाए हो जल्दी दे दो खाने के लिए, हम खा लेते हैं चुपचाप। ठीक है, मम्मी वो सामान कहाँ पर रख दिया, हम वो छोड़ के गए थे वो कहाँ रख दिया आप, वो सपोज मैं खुद भी रखाऊंगा कुछ सामान, बट मैं जाके मम्मी को चार्ज करूंगा कि मम्मी ये सामान आप यहाँ से यहाँ क्यों रखे हो, बट मैं ही रखाऊंगा, मुझे भूल गया हूँगा, तो एक बाय डिफ़ॉल्ट ही वो सब आ जाता है मम्मी के लिए। तो बस यही है कि जिंदगी बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि मम्मी ये कर रही है वो कर रही है, एक्चुअली में बहुत डेडिकेशन वो फ्रॉम द डे वन देती है, और हम शायद बड़े होते होते उसको भूलना स्टार्ट कर लेते हैं, और ऐसा बहुत बार होता है कि हम इरिटेट हो जाते हैं मम्मी जब बार बार वही सेम चीज़ हमको रिपीट करने बोलती है कि ये क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा, खाना क्यों ठीक से नहीं खा रहा। अगर सपोज हम बाहर में कहीं पर रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं या फिर घर में भी है, और सेम चीज़ मम्मी बार बार वो रिपीट करती है कि तू ये क्यों नहीं कर रहा, तू पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा, तू ठीक टाइम नहा क्यों नहीं रहा, तू क्यों, और अगर मैं हॉस्टल में हूँ तो तू खाना खाया कि नहीं, क्या खाना खाया, ये हुआ वो हुआ, तो बार बार सेम चीज़ जब रिपीट होता है एक बार लगता है कि क्या यार मम्मी तुम हमेशा वही सेम चीज़ बार बार रिपीट करते हो, क्या खाया क्या खाया, वही तो मैं सेम चीज़ ही खाता हूँ, तुम बार बार क्यों पूछते हो। बट एट द एंड ऑफ द डे कभी रियलाइज़ करना कि वो माँ है, ठीक है, और माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए हमेशा सोचती रहती है, वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, और हमेशा सोचती ही रहती है और सोचती रहेगी। आप लोग वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते कि मैं वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, आप जितना भी इरिटेट हो जाओ, जितना भी गाली दे दो, कल फिर से मम्मी फ़ोन करेगी और पूछेगी बेटा खाना खाया तो, ठीक है। ज़िंदगी में सबको ही भूल जाएंगे, सबको ही अपना मतलब ही काम करेंगे, जो रहेंगे वो रहेंगे आपके मम्मी और पापा, और सबसे ज़्यादा मम्मी, ठीक है। आप कितना भी गाली दे दो, कितना भी उनसे डांट मतलब डांट लो, कितना भी उनसे गुस्सा रह लो, बट मम्मी एक दिन गुस्सा रहेंगी, बट दो दिन में फिर से बेटा खाना खाया ठीक से, आयरन किया शर्ट, और आज कॉलेज का लास्ट डे है, अच्छे से जाना, फेयरवेल में अच्छा कुछ कपड़ा पहनना, अगर नहीं है तो मैं भिजवा दूंगा, ठीक है, बट अच्छे से रहना चाहिए, ठीक है। शायद मैं उतना काबिल नहीं हूँ, बट मेरे मम्मी के लिए मैं हमेशा राजा था, आज भी हूँ और हमेशा रहूँगा, और वो आप लोग भी रिलेट कर पा रहे होंगे, राजा और रानी, आप लोग अगर गर्ल्स है तो रानी और बेटा है तो राजा, हमें हमेशा के लिए, हम हमेशा हमारे मम्मी पापा के लिए राजा बेटा ही रहते हैं, कुछ भी कर ले, हम कुछ भी कितना भी गलती कर ले, बट एट द एंड ऑफ द डे तो क्यों ऐसा कर रहा था बेटा, क्यों ऐसा कर रहा था, हमने तुमको यही सिखाया था, नेक्स्ट टाइम से मत करना, ठीक है। तो ये छोटा छोटा जो चीज़ है मम्मी, जो कि हम बेसिकली बोल नहीं पाते, हमेशा बेटे होते हैं ना, हम बोलने में थोड़ा सा शर्मा जाते हैं, या फिर हम सच बात बोल नहीं पाते कभी भी। आप लोग हम लोग अभी भी जाके कभी भी मम्मी को नहीं बोलते, मम्मी तुम साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो, मम्मी तुम तुम्हारा वो जो चूड़ी पहने हो बहुत अच्छा लग रहा है, जो साड़ी पहने हो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है आपको ये साड़ी, हम रेयरली कब बोले होंगे, बहुत मतलब पहले बहुत दिन हो गया होगा शायद बोले होंगे, बट हमको पता है कि मम्मी को वो सब सुनना नहीं अच्छा लगता, कि वो मतलब सुनना नहीं चाहती, बट फिर भी अगर हम बोल देंगे तो उनको भी सुनने का मन करता होगा शायद, ठीक है। हम बोलते नहीं, हम सोचते कि उनको सुनना नहीं है, बट कहीं ना कहीं उन लोग भी सुनना होगा उन लोगों को, कि हमें भी कोई कुछ बोले, ठीक है। तो आज एक स्पेशल डे है जिसमें कि मैं बोलना चाहता हूँ, अगर मैं अपने माँ को भी ये वीडियो भेजने वाला हूँ, तो माँ आप जहाँ पे भी हो बस खुश रहिए, और मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ आपके पास, ठीक है। और बस जहाँ पे भी आप दूर में रहिए या फिर जहाँ पे भी रहिए, इतना बात याद रखेंगे कि मम्मी और पापा को कभी भूलना मत, क्योंकि अभी धीरे धीरे एज बढ़ रहा है और हम बड़े होते जा रहे हैं, और बड़े होते जा रहे हैं तो हमारा रियलाइजेशन उतना खत्म होता जा रहा है कि हाँ मम्मी पापा तो अभी बड़े हो गए, हम भी वेल एस्टेब्लिश हो गए हैं, तो और क्या ज़रूरत, बट अभी वैसा टाइम है जिसमें कि मम्मी और पापा को आपका बहुत ज़रूरत है, खासकर मम्मी का, ठीक है। तो जो मम्मी बचपन से आपको बड़ा किया है, तो अभी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जा रहा है कि वही मम्मी और पापा को आप लोग भी अच्छे से खुशी दो, ठीक है। वो लोग और कुछ नहीं जाते, बस आप लोग काबिल बन जाओ, उतना ही उन लोगों का खुशी है। और आई लव यू माँ,
और क्या बोलूँ, और वैसा कुछ नहीं है, जो बस बोल रहा हूँ तब से कुछ, मतलब मेरे दिमाग में ऐसा कुछ स्क्रिप्ट नहीं था कि ऐसा ही बोलना है, बस आज लगा कि मदर्स डे है तो कुछ एक थोड़ा सा शेयर कर दें जो हम नॉर्मली कर नहीं पाते। और ये वीडियो को देख के आई होप जितने भी यहाँ पे देख रहे हैं सब कोई, आप लोगों को भी रियलाइज़ हुआ होगा कि मम्मी अपने लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसा कोई स्पेशल डे नहीं रहता जो कि मदर्स डे हम सेलिब्रेट करें, बट आज अगर ऐसा स्पेशल कुछ डे है तो हम थोड़ा सा एक इनिशिएटिव उठाएंगे और मम्मी को जाके थोड़ा सा अपना लव अफेक्शन दिखाएंगे, क्योंकि हम बार बार दिखा नहीं पाते सब कुछ कि हाँ हम शो नहीं कर पाते एक्चुअली हमारे इमोशंस। तो आज थोड़ा शो करो, आज टाइम है बहुत, जाके बैठो उनसे बात करो, ठीक है। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि हम काम में इतने बिजी हो जा रहे हैं कि हम मम्मी को टाइम नहीं दे पा रहे। मम्मी मुझे कंटिन्यूसली 3 बार कॉल करती है हमेशा, सुबह में, शाम में, रात में, खाने के टाइम, सुबह में उठने के टाइम और दोपहर में। हम बार बार मम्मी को बोलते हैं कि मुझे ये टाइम में मत कॉल कीजिए, मेरा ये काम है, वो टाइम है, मत कॉल कीजिए, मेरा वो है, बट मम्मी फिर भी वही सेम कंटिन्यूसली काम करती रहती है। कभी कभी इरिटेट लगता है, मैं मतलब बोल भी देता हूँ कि मम्मी आप क्यों कॉल कर रहे हो, इतना क्यों कॉल कर रहे हो, मैं ठीक हूँ, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, बट मैं भूल जाता हूँ, ठीक है, बट मम्मी कभी नहीं भूलेंगी। मैं बहुत बार ऐसा होता है कि मैं कॉल बैक करना भूल जाता हूँ, बट मम्मी फिर से कॉल करेंगी, तू कॉल नहीं किया, क्यों नहीं किया तू आज, ठीक है। तो और क्या, बस यही तो है मम्मी का प्यार, माँ है वो, ठीक है। जैसे आप लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखे होंगे, दया बहन का जो करेक्टर है वो हमेशा बोलती है कि वो माँ है, वो कुछ भी कर सकती है, और एक्चुअली में वो माँ है, वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। और माँ का प्यार बहुत ही, मतलब सबसे बड़ा जो काम रहता है वो माँ का प्यार रहता है, ठीक है। पापा का भी रहता है, देखो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, बट माँ का प्यार, माँ का प्यार होता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और अभी बोलूँगा तो बोलता ही रहूँगा, अभी माँ के लिए जो भी बोले वो कम है, तो अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं होने वाला अगर ऐसा बोलता जाए, मतलब सारा किस्सा को जोड़ते जाए। तो बस यही है कि माँ, आप लोग जहाँ पे भी हो, सब माँ, यहाँ पे मेरे पर्टिकुलर माँ को मैं डेडिकेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे मम्मियों को डेडिकेट कर रहा हूँ। आप लोग जहाँ पे भी हो, आप लोग बस खुश रहिए, और आपका वही प्यार, वही अफेक्शन, हम जितने भी बड़े हो जाए हम अपने मम्मी पापा के लिए वही छोटे बच्चे ही रहेंगे। और हम, मतलब मैं सबको बताना चाहता हूँ कि हम भी कभी भी ये रियलाइज़ नहीं करना चाहिए कि हम बहुत बड़े हो गए, हम मम्मी पापा तो हमको जस्ट पैदा कर दिया और काम तो क्या किए हैं, बट वो कभी भी नहीं सोच के, मम्मी पापा जितना दिन तक है हम लोग ट्राई करेंगे उनको उतना ही खुश रखने के लिए। कभी कभी गलती हो जाता है, तो अगर कभी भी वैसा कुछ गलती हो गया है तो आप लोग माफ़ कर दीजिएगा, बट मदर्स डे का जो ये दिन है ये बहुत एक सुनहरा मौका है आप लोगों के मम्मियों को जाके थोड़ा सा आपका इमोशन, थोड़ा सा आपका प्यार, थोड़ा सा जो आप शो नहीं कर पाते कहीं ना कहीं, थोड़ा सा जाके रियलाइज करो और उसको शो करो, ताकि उन लोगों को भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। और अगर माँ आप भी ये वीडियो देख रहे हो तो आई लव यू, और जैसे मैं आपको प्यार करता था अभी भी कर रहा हूँ और उतना ही करता रहूँगा, और बस खुश रहिए सब कोई, और ये वीडियो थोड़ा सा सबको शेयर करेंगे ताकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर वैल्यू एडिशन हो सकता है, कहीं ना कहीं ये देख के थोड़ा सा अगर आप लोग जाके अपने मम्मियों को भी थोड़ा सा प्यार दो तो कहीं ना कहीं उनका दिन भी बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा लेंदी नहीं करा, मैं थोड़ा थोड़ा इमोशनल भी हो जा रहा हूँ, बट अभी इमोशनल नहीं होना चाहता मैं, तो इसलिए बस आज के लिए इतना ही, बस खुश रहिए। एंड एट द एंड यही बोलना चाहता हूँ कि माँ जो होती हैं वो जिंदगी का, हमारा जिंदगी का सबसे बहुत अनमोल हिस्सा रहता है, और कुछ नहीं, ठीक है, आई एम स्पीचलेस एक्चुअली। तो इसलिए बस माँ को प्यार करते रहिए और पापा को भी प्यार करते रहिए, बट हमेशा ये एक बात याद रखिएगा कि जिंदगी में लास्ट तक सब कोई साथ छोड़ सकते हैं, बट वही मम्मी और पापा, खासकर मम्मी हैं जो कि हमेशा आपके साथ हमेशा रहेंगे, चाहे वो पास में हो चाहे वो दूर में हो, उनका आशीर्वाद, उनका जो प्यार है, उनका अफेक्शन है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। और उसी के लिए आज जो भी हम काम कर पा रहे हैं उन्हीं के ब्लेसिंग्स के वजह से ही कर पा रहे हैं, और उनका ब्लेसिंग्स जितना दिन तक हमारे साथ है हमको कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द स्मॉल वीडियो, एंड मैं बस ट्राई किया कि जो मैं फील कर रहा हूँ उसको आपको कन्वे कर सकूँ। एंड जितने भी मम्मियों हैं, मम्मियाँ ये देख रही हैं, जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं, आप लोग मम्मियों को भी दिखाओ, और मेरे तरफ से, मैथसून फैमिली की तरफ से एक छोटा सा प्यार एंड अफेक्शन, ऑल हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू, एंड बस आशीर्वाद अपना हमारे ऊपर बनाए रखिए, और आपके आशीर्वाद से हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। ये वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सब सबके पास ये वीडियो पहुंच पाए, और कहीं ना कहीं आप लोग भी खुद से रिलेट करके अपने मम्मियों को थोड़ा सा स्पेशल फील करवा पाओ। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, एंड मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कुछ एपिसोड में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, जय जगन्नाथ।